आईपीएल का 3100 मैच मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। मुंबई की ओर से ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करी। रोहित शर्मा ने इस मैच में 25 बॉलों में 3 छक्कों की मदद से 36 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में सूर्य कुमार यादव ने भी इस मैच में तहलका मचाया। यादव ने 53 बॉलों में 3 छक्कों की मदद से 58 रन की पारी खेली और यादव के साथ साथ तिलक वर्मा ने भी एक छोटी सी पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 बॉलों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 34 रन की पारी खेली और इन सबके चलते मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 192 रन बना डाले। पहली पारी में पंजाब की ओर से हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 193 रनों के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए पंजाब की ओर से कप्तान शेम करण और परम सिमरन सिंह ने पारी शुरुआत करी, लेकिन पंजाब की शुरुआत 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर गई और एक टाइम पे ऐसा लगने लगा जैसे कि पंजाबी टीम बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद शशांक सिंह ने एक बार फिर से इस मैच में अपनी वापसी दिखाई। शशांक सिंह ने 25 बॉलों में 3 छक्कों में 41 रन की पारी खेली और शशांक सिंह की इस पारी के चलते पंजाबी टीम यह मैच जीत के करीब चली गई। इसके बाद आशुतोष शर्मा ने भी फिर से एक बार इस मैच में कमाल किया। आशुतोष शर्मा ने 28 बॉलों में 6 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के शामिल थे, लेकिन आशुतोष शर्मा अंतिम ओवर में आउट हो गए जिसके चलते पंजाबी टीम यह मैच हार गई। पंजाबी टीम 19 ओवर में 183 रन पे ऑल आउट हो गई और जिसके चलते पंजाबी टीम यह मैच 9 रनों से हार गई। मुंबई की ओर से बुमराह ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए जिसके लिए बुमराह को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।